हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी आर हियर फॉर डूइंग द वर्कशीट नंबर सिक्सटी नाइन फॉर क्लास टेन साइंस इन बोथ मीडियम्स एंड टूडेज टॉपिक इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड इन दिस वर्कशीट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन निशेचन एंड व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के उपाय इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अट्ठारह दिसंबर की यह वर्कशीट है लेट्स फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन वॉट इज फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस बाई विच मेल गैमेट्स फॉर्म यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड अव्यूम टू फॉर्म अयगॉड निषेचन वह विधि है जिसमें नर युगमक शुक्राणु एवं माता युगमक अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज वट हैपन्स वेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज क्या होता है जब अंडे का निशेचन नहीं होता इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट वन डे सिंस द दिलज इज वन एग एवरी मंथ द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो यदि अन्न कोशिका का निशेचन नहीं होता तो यह लगभग एक दिन तक जीवित रहता है अंडाशय प्रत्येक माह एक अन्न का मोचन करता है गर्भाशय के अंदरूनी दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है निषेचन ना होने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती इनकेस द आग इज नॉट फर्टिलाइज द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी मोर सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ द जाइना एज ब्लड एंड म्यूकस एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मैंट्रेशन जब हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती तो ये जो परत है वो धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है यह चक्र लगभग हर माह होता है अतः इसे ऋतुस्राव या मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इट इज इट इज अ टोटल वेल बींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोडक्शन दैट इज फिजिकल इमोशनल सोशल एंड बेहेवियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाई टेकिंग हेल्दी डाइट एंड मेंटेनिंग हाईजीन ऑफ रिपोडडक्टिव ऑर्गन्स यह जन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो यह वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक भावनात्मक और व्यवहारिक और सामाजिक रूप से Uh, स्वस्थ होता है और एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह है अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे पौष्टिक आहार ले और प्रजनन अंगों की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान दे आगे बढ़ते हैं सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है तो फैमिली प्लानिंग इज नॉट ओनली नॉट ओनली बेनिफिट्स द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन बाई बींग एबल टू कीप द नंबर ऑफ बस अंडर कंट्रोल सेव्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज परिवार नियोजन बचाव न केवल माता पिता और संतान के लिए उपयोगी होता है बल्कि समाज राष्ट्र सभी के लिए महत्वपूर्ण तो है और बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अन्य स्रोतों का संरक्षण भी किया जा सकता है सेफ सेक्स एंड वर्सेज एच एड्स सुरक्षित यौन संबंध और एच एड्स देर आर मैनी डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली वायल लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर्ड्स एंड एच एड्स बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि यौन संपर्क के कारण फैलते हैं जैसे कि कवक विषाणु का संक्रमण मस्से होना एच आई वी एड्स एच आई वी इज़ वेरी इन्फेक्शियस एंड डेडली डिजीज इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ बाई यूजिंग पेरियर्स लाइक ऑनडोम एट्सेट्रा सेफ सेक्स कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीजेज फ्रॉम वन पार्टनर टू अदर एच आई वी एड्स बहुत ही घातक बीमारी है और ये अत्यधिक संक्रामक भी है यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है यदि किसी अवरोध जैसे कॉन्डम का उपयोग किया जाए तो यह रोग एक साथी से दूसरे साथी तक नहीं पहुंचता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं देन फर्स्ट इन दिस लिस्ट इज मैकेनिकल बैरियर और वी कैन से दैट यांत्रिक अवरोध दिस दिज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू अ बैरियर इन बिटवीन फॉर एक्जाम्पल क्वटॉम इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु और कोशिका के पास से नहीं पहुँच पाते हैं उनके बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाता है सेकेंड इज चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन करके भी किया जा सकता है बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी एक्स डू नॉट रिलीज एंड सो फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर दिस इज डन बाय टेकिंग ऑरल पिल्स और इंजेक्शंस अंडर स्किन हाव एवर दिस मैथड हैज़ सम साइड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ इफ टेकन फॉर लॉन्ग टाइम तो इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं हो पाता अतः निषेचन भी नहीं हो पाता और असंतुलन गर्भ यह असंतुलन गर्भ निरोधक गोलियों या इंजेक्शन के द्वारा हो जाता है लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो इस विधि की एक डिसएडवांटेज है ये इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस आई यू टी आई यूडी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज होती हैं दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड इन साइड द बॉडी ऑफ वुमेन बाय द डॉक्टर दे आर बाई प्रीवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ एग फॉर एग्जाम्पल कॉपर्टी इस विधि में डॉक्टर के द्वारा महिला के शरीर में के यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को अंडानों तक पहुँचने से रोक देता है इसका उदाहरण है कॉपर्टी उसके बाद सर्जिकल मैथड्स होते हैं इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी शल्य क्रिया हो सकती है सर्जिकल मैथड्स इस विधि के द्वारा युगमक का स्थानांतरण रुक जाता है इट इन द मेल्स इट इट इज कॉल्ड वैसेक्टॉमी पुरुषों में इसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है और उसमें इफ वेस डिफरेंस इज ब्लॉक्ड ट्रांसफर ऑफ फर्म कैन बी स्टॉप्ड यानी कि पुरुषों में यदि वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है जैसे कि शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है एंड इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी इफ फेलिपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड देन एक्स कैन नॉट रीच द यूटरस एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस महिलाओं की अनवाहिनी को अवरोध कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम टिबेक्ट में ही बोलते हैं तो अंत गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन भी नहीं हो पाता है अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज फर्टिलाइजेशन एंड वट हैपन्स इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज नॉट फर्टिलाइज निषेचन क्या होता है और क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो दो क्वेश्चन हैं इसी क्वेश्चन में तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पर बताया गया था कि ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर जायकॉट बनाते हैं निषेचन की प्रक्रिया होती है ये और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि वट हैपन्स वन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे इफ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज इट लिवस फॉर वट आउट वन डे एंड सिंस द दिलीज इज वन एग एवरी मंथ द एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं ये हो गया सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं पहले इंग्लिश मीडियम के देख लेते हैं डिफाइन मैंसुरेशन मैंसुरेशन को डिफाइन करना है तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं यदि छोटा लिखना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ही लिखें यहाँ आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो फिर इस आंसर को आप यहीं से पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि मैं मैंशन जो है वो आप इसको किस प्रकार से समझते हैं इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन इज वाई रिपोर्डक्टिव हेल्थ इज इम्पॉटेंट तो रिपोडडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद आर ओवरऑल हेल्थ सो इसका इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं इट इज अ टोटल वेल बींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल इमोशनल सोशल बिहेवियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ सेल्फ रिपोडक्टिव हेल्थ बट टेकिंग हेल्दी डाइट एंड मेंटेनिंग हाईजीन ऑफ द रिपोडक्टिव ऑर्गन्स नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन अब हम करेंगे एक्सप्लेन वेरियस मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग तो इसके लिए वेरियस मैथड्स आपको दे रखे हैं इनमें से आप कोई भी मैथड लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं यहाँ से लिखना शुरू करेंगे वेरियस मैथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग यहाँ फर्स्ट मैकेनिकल बेरियर चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी नेक्स्ट इज इंट्रा यूटरिन डिवाइसिज सर्जिकल मैथड एट्सेट्रा तो ये चार मैथड्स हैं इनको आप लिख सकते हैं इसके आंसर में हाउ एच आई वी एड्स कैन बी प्रिवेंटेड तो इसके लिए लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप यहाँ से आप लिख सकते हैं या एच आई वी इज़ वेरी इंफेक्शियस एंड डेडली डिजीज़ इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिजीज़ बाई यूजिंग बेरियस लाइक कॉन्डम इन्सेक्ट्रा एंड सेफ सेक्स कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीज फ्रॉम पार्टनर टू अदर क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करें फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय आप यहाँ से लिख सकते हैं ये परिवार नियोजन के उपाय हैं, जिसमें यांत्रिक अवरोध हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन यू और थर्ड फोर्थ है शल्य क्रिया तो इनको आप लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन इज़ रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं निषेचन ना होने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती इसको अगर आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो नहीं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कट करके लिख सकते हैं तो इसकी जो परत है वो धीरे धीरे टूट कर यूनिमार्क से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर आती है और इसी को हम मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं नौ तो फिफ्थ इज सॉरी फोर्थ इज़ जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है तो जनन स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शारीरिक भावनात्मक व्यवहारिक और सामाजिक रूप से जो जो हमारी हेल्थ होती है स्वास्थ्य होता है उस पर निर्भर करता है तो इसके लिए आप उत्तर लिख सकते हैं यहीं से ही ये हो जाएगा आपके फोर्थ का आंसर नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है एच आई वी एड से कैसे बचाव किया जा सकता है तो इसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट क्लास टेंथ की दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इसको करके आप अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए नोट्स बना लीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल